नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में आज एक अच्छी पहल की गई है झारखंड सरकार की तरफ से कि झारखंड में अब दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है। दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होने से जो दिव्यांग जन हैं, जो भी दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये अच्छी पहल है। वो अच्छी शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता के साथ यहाँ से अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छी उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। इसको लेकर आज झारखंड में दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होना है और हम सीधे जुड़ते हैं। मैम, दिव्यांग यूनिवर्सिटी का निर्माण होना है, कैसे आप देखते हैं सर? ये तो हमारे लिए बहुत, झारखंड के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें दिव्यांगों को हमारी शिक्षा की पावर को, जो हमारे माननीय मंत्री जी चंपाई सोरेन जी ने समझा, क्योंकि ऐसे ये एक शिक्षा हमारी यही ताकत है जो हम समाज में अपने आप को एक सहभागी रूप में, एक इंडिपेंडेंट रूप में हम देखते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा कुछ नहीं है। दूसरी चीज मैं ये भी बोलूँगी, समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि हमें समाज के अन्य लोगों के साथ भी एक समाज से समावेशी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल लोग भी हमें समझेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है चैप्टर जिसमें डिसेबल को डिफाइन किया गया है, कि नॉर्मल बच्चों को समझाया जाए कि डिसेबल क्या है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, और साथ साथ ये भी बोलूँगी मैं हमारे समाज को और हमारे जो इतिहास हमारे झारखंड ने अभी शुरुआत की है, वो जो बच्चे अलग अलग कैटेगरी के हैं, जो अलग अलग उनको वो माहौल नहीं मिल पाता, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाते पढ़ने के लिए, तो ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रही है झारखंड में, एनवायरनमेंट बनेगा, ये हमारे लिए बहुत ही इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है सर के द्वारा, माननीय मंत्री के द्वारा, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीब की बात है कि जो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब हमारे झारखंड में सारी सुविधाएं मिलेगी। जैसे और कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या फिर कहीं कोई ऐसी संस्था है जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए खास तरह उस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है? सर, झारखंड में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बट डिसेबल को अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है, जैसे ब्लाइंडनेस के लिए अलग है और जो मेंटल इलनेस के लिए अलग है। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे एक समाज में एकता नहीं, एक नहीं हो पाते। हम उनको बस ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंड से जज करते हैं, अगर वो मेंटल इलनेस है तो उनसे जज करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो अभी क्या हमारे ऑर्थोपेडिक है वो सारी जगह मूव की वजह से नहीं जा पाते। अब क्या होगा कि ये सेम बिल्डिंग में सब कुछ हमें समानता मिलेगा, उसे हमारी एक तो अपने अंदर जो सोचने और समझने की डिसेबिलिटी को हम पहले वो जल्दी समझ पाएंगे, चाहे लोगों के बीच में हो, कि हमारा समाज एक है, हम भी एजुकेशन भी एक है, और जो भी डिजिटल लिटरेसी की बात करें वो ज़्यादा अभी ज़रूरी है हमें, क्योंकि उससे जुड़ा टेक्नोलॉजी इतना आगे चली गई है, पर झारखंड के दिव्यांग अभी कुछ दिव्यांग है जो वो हासिल कर पा रहे, बाकी अन्य बच्चे पिछड़े लोग वही रह जाते। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि खासकर अगर यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो यूनिवर्सिटी में हर कैटेगरीज की पढ़ाई होती है, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स हो गए, ये जो यूनिवर्सिटी बनने वाली है उसमें किन किन विषयों की पढ़ाई होगी और किन किन स्किल डेवलपमेंट्स का ये किया जाएगा? यूनिवर्सिटी है, फ्रॉम द नेम इट रिफ्लेक्ट्स कि जो भी पढ़ाई होना है यूनिवर्सिटी में, जो होते आ रहा है सारा पढ़ाई होगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, BA, BSc, BCom, IA, IAC, ICom, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc, देन इंजीनियरिंग, और आगे फिर निर्णय देते ही जाएंगे कि आगे कैसे फर्दर इसमें मूव करना। तो सारे तरीके का लॉ का भी होना है, हम लोगों ने ये भी सोचा है लाइक इफ यू सी द नोटिफिकेशन, तो यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन जो हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट में वही डेफिनेशन है, तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होता है इस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, सारा पढ़ाई होता है। झारखंड सरकार ने आज ये पहल की है कि दिव्यांग जनों के लिए कम से कम एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए झारखंड में। ऐसे लगभग कितने दिव्यांग होंगे झारखंड में अप्रॉक्स जो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं? सी, दिस एक चीज जानना जरूरी है कि इट्स अ यूनिवर्सिटी विच इज इंक्लूसिव इन नेचर, इट्स नॉट ओनली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट यस, ऑल काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, फोकसिंग देम, तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनको जो ख्याल उनका रखना है सब तरीके से उनको दिया जाएगा, स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा, तो ये इसका उद्देश्य है। और जैसे बात कर लें कि अभी जैसे स्कूलों में कुछ स्कूलें चल रही हैं जहाँ मुख्य बधिर की पढ़ाई होती है, जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ केवल अंधे बच्चे जो हैं, जो आँख से नहीं देख पाते, उनकी पढ़ाई होती है, तो इसमें हम आशा करते हैं कि झारखंड से बाहर के भी लोग आएंगे, बच्चे आएंगे। एग्जैक्टली, बाहर से जहाँ से भी, ऑल ओवर नेशन
आएंगे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, देयर इज नो रिजर्वेशन पर से कि केवल स्टेट ऑफ झारखंड के ही बच्चे रहेंगे. हाँ, कुछ रिजर्वेशन 50% जो रिजर्वेशन इज विच इज देयर एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो मिलेगा, लेकिन जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं. अगर हमारा यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा किया तो इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो स्टेट ऑफ झारखंड प्रोवाइड कर रही है सारे सिटीजन्स को, एंड नॉट ओवर स्टेट ऑफ झारखंड, पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर रही है. एंड ये एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है फॉर द अदर स्टेट्स कि स्टेट ऑफ झारखंड जो कि एजुकेशन में हमेशा अच्छा रहा है, वो अगर एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो ये एक मैसेज कन्वे करेगा एंड दूसरे स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे. एंड आई थिंक आने वाले दिनों में अगर विल सी तो ये नेशनल जो इशू है पर्सन विद डिसेबिलिटी को मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत बड़ा एक वेपन की तरह काम करे. वुमेन जो पहले देखा जाता था कि अच्छा घर संभालने वाली लेडी है ना, हाउसवाइफ, नाउ एक वुमेन को उसके पोजीशन पावर एक रुतबा के नाम से जाना जाता है, शी हैज़ हर ओन आइडेंटिटी. उसी तरीके से जब एम्पावर्ड हो जाएंगे सारे यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी तो देन दे विल बी नोन बाय देयर पोजीशन पावर देयर स्टेटस. मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ एंड आई होप अगर ये यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली रन करता है और आपका हमारा सबका सरकार का सपोर्ट होता है तो वो दिन दूर नहीं है. ये जो टॉपिक है इस पर लोग बात नहीं करते, इलेक्शन के टाइम भी बात नहीं करते हैं, एडमिशन्स के टाइम बात नहीं करते हैं, रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट में उसमें बात नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है. एंड आज की डेट में अगर सेंसस किया जाए तो 4-5% ऑफ द पॉपुलेशन आर फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड एंड उनका बहुत बड़ा पार्ट है इस कंट्री की सिटीजनशिप. उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक स्टेट ऑफ झारखंड हैज़ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड टेकिंग मूव्स अकॉर्डिंगली. एंड आई थिंक आई वुड डेफिनेटली लाइक प्रेज द मूव ऑफ आर ऑनरेबल मिनिस्टर दैट इज चंपई सुरेन टू टेक अ इनिशिएटिव टू स्टार्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज. एंड विद दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी देर वुड बी सम नोटिफिकेशन विच वुड बी गाइडिंग अदर यूनिवर्सिटीज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विल बी यूनिवर्सिटीज विच विल बी कमिंग इन टू एग्जिस्टिंग एंड इन दोज यूनिवर्सिटीज एज वेल एक्सेसिबिलिटी राइट वुड बी इनग्रेव इन कॉपरेटेड एंड विद दैट ऑल यूनिवर्सिटीज वुड बी एम्पावर्ड बिकॉज इफ लॉ इज देयर everyone has to follow it, be it any person. So then jitne vice chancellors hai, registrar hai, principals hai, they have to follow that law. And the law is to already there. Right to Persons with Disability Act is there, 2016 is there. उसी के pursuance में यहाँ पे notification जो हमारे हमें compendium मिला है उसमें notification को रखा गया है जो draft किया गया है. अगर सब कुछ सही चलता है तो I think हमारे जो honorable minister जो इतने actively इसमें काम कर रहे हैं, ज़्यादा time लगाएंगे नहीं उसमें सहमति देने को, and वो जब आ जाएगा तो I am a lawyer at Jharkhand High Court and I am very much interested in human rights and persons with disabilities right. Because I find that they are not been discussed, they are been merged, they are been sidelined कर दिया जाता है उन्हें, तो उनके बारे में बात करना, उनके rights के बारे में बात करना, that is my duty as a lawyer. And अगर state of Jharkhand उस पर काम नहीं करेगी तो I as a legal professional I'll take care of it by filing public interest litigations. Thank you so much. तो अभी आपने देखा कि झारखंड में अब दिव्यांग यूनिवर्सिटी जल्द ही धरातल पे उतरने वाली है, जिससे दिव्यांग जनों के लिए एक अच्छी पहल कर रहे हैं झारखंड सरकार, और इससे जो भी दिव्यांग है वो एम्पावर्ड हो सकेंगे, अपने स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे. ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची.